अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पॉलीनोमियल्स। इसकी जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2। लास्ट टाइम हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे, पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 वो डिस्कस किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है आपका स्टेटमेंट वाइज। अगर आप इसके स्टेटमेंट की तरफ देखें तो आपके पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि व्हाट शुड बी एडेड, मतलब क्या हम ऐड करेंगे इस पॉलीनोमियल में जो कि हमारे पास गिवन है 4x³ - 10x² + 12xn + 6, सो दैट इट बिकम्स एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x + 1। मतलब उन्होंने पूछा है कि हम हमारे पास ये जो पॉलीनोमियल गिवन है इसके अंदर हम क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली डिवाइज़र मिल जाए जो कि इस पूरे पॉलीनोमियल को डिवाइड करे एक्यूरेटली, मतलब रिमाइंडर उसका ज़ीरो दे। तो इसका एक तरीका आपके पास ये है कि आप ये जो पॉलीनोमियल गिवन है इसको ये जो इन्होंने डिविजिबल दिया हुआ है बाय 2x + 1 इससे डिवाइड करके देखें, जो भी आपके पास रिमाइंडर बचता है उसको हमने इसके अंदर जब ऐड कर देंगे, जिससे हमने डिवाइड किया 2x + 1 के अंदर जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो भी पॉलीनोमियल बनेगी वो हमारे पास इसका आंसर होगा। क्योंकि जब हमारे पास वो जब इन दोनों को ऐड कर दूंगी मैं तो जो भी बनेगा वो इस जो पॉलीनोमियल गिवन है जिसको डिवाइड करना है उसको एग्जैक्टली एक्यूरेट डिवाइड करेगा और रिमाइंडर ज़ीरो देगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है 4x³ - 10x² +12xn + 6, ठीक है। इसे मैंने आपसे कहा है कि जो आपके पास डिविजिबल दिया हुआ है उससे डिवाइड करें, 2x + 1 है, माइनस प्लस प्लस, ठीक है, 2x + 1, ओके। अब आपने क्या करना है, इसे डिवाइड करना। डिवाइड हमने क्वेश्चन नंबर 8 में सीखा है कि हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो कर लेते हैं। 2x + 1 लिखा है तो हमें फर्स्ट वाली टर्म बनानी होती है, तो मैं क्या करूँ, इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करूँ। इसके अंदर अगर मैं सबसे पहले साइन देख लूँ तो साइन यहाँ पे क्या है, प्लस है। कोई साइन ना हो तो क्या होता है, प्लस होता है। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ प्लस। उसके बाद देखें, मुझे चाहिए है 4, यहाँ पे है 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4 आ जाएगा 2 से। उसके बाद वेरिएबल पे आ जाए, यहाँ पे x की पावर है 3 और यहाँ पे x की पावर 1, तो मुझे कितनी पावर और चाहिए, 1 के अंदर कितनी ऐड करूँ, 2 ऐड करूँगी तो x की पावर आ जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस 2 × 4x³ + 2x² किससे मल्टीप्लाई करने से आया है, 2x² से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ गया है 4x³ + 2x² साइन चेंज कर दें क्योंकि हमने करना होता है माइनस, और माइनस आपके पास तभी होता है जब हमारे पास जो नीचे वाला आंसर पॉलीनोमियल का आता है उसका हम साइन हर टर्म का साइन चेंज कर दें। ये देखेंगे प्लस है इसके साथ और यहाँ पे माइनस है, ऑपोजिट साइन, सेम टर्म कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 10 + 2 = 12, साइन क्या आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 10 है और 10 के साथ आपके पास माइनस है तो साइन आ जाएगा माइनस का। ये टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। आप देखें, अब आपके पास जो फर्स्ट टर्म आई है वो है -12x² अब मुझे बनाना है यहाँ पे माइनस, तो उसके लिए यहाँ पे तो प्लस है तो मैं यहाँ पे लूँगी माइनस, तभी माइनस बन सकता है। 12 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे मेरे पास 2 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 से, 2 × 6 = 12, एक्स की पावर यहाँ पे है 1 और मुझे कितनी चाहिए है 2, तो कितनी पावर और ऐड करूँ इसके अंदर, 1। अब मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, 6 × 2 = 12x² - ± 6x, किससे मल्टीप्लाई करने से आया -6x से, -6x आंसर -12x² - 6x। साइन चेंज कर दें ऑपोजिट साइन के साथ, सेम टर्म कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, 12 + 6 = 18, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसीलिए आ जाएगा प्लस और ये टर्म साथ वैसे ही। अब आपको चाहिए है
18x. और मेरे पास क्या है? मेरे पास है यहाँ पे 2x प्लस 1 प्लस के साथ, और मुझे चाहिए है प्लस 18x. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले तो प्लस लिखूँगी. 18 के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 18 आ जाए, तो 2 9 आर 18, और x यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, मतलब कि मुझे कोई भी और x की पावर नहीं चाहिए. तो इसलिए मैं इसको जस्ट 9 से मल्टीप्लाई करूँगी. प्लस 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 9 टू आर 18 एक्स प्लस 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 9 वन आर 9. किससे मल्टीप्लाई करने से आया है? प्लस 9 से. तो प्लस 18x प्लस 9, साइन चेंज कर दें, कैंसल, ऑपोजिट साइन के साथ सेम टर्म थी. प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 6 3 साइन माइनस का. ठीक है, हमारे पास जो इसका रिमाइंडर बचा है वो है माइनस 3. तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जो भी रिमाइंडर बचे, अगर हम उस रिमाइंडर को इस टर्म के अंदर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे उसके अंदर जमा कर दें, तो हमारे पास एग्जैक्ट डिवाइज़र आ जाता है जो कि इस पॉलीनोमियल को एक्यूरेट डिवाइड करेगा, जिससे वो आंसर जो रिमाइंडर का आएगा वो ज़ीरो आएगा. ठीक है, तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि दूसरा नंबर हम कौन सा ऐड करेंगे, तो वो है आपके पास 3. 3 को अगर हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर, 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 4. तो 2x प्लस 4 से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो डिवाइज़र इसका आएगा, मतलब कि रिमाइंडर जो इसका आएगा वो आएगा 0. ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया? आंसर है हमारे पास इसका 3. हम अगर इसके अंदर 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एग्जैक्ट डिवाइड. आप चेक कर ले, यहाँ पे अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो 4 हो जाएगा. 4 के हिसाब से मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 2 8x का स्क्वायर, यहाँ पे 8 होगा, तो 8 के हिसाब से ये हो जाएगा 18. 18 के लिए हमें क्या चाहिए होगा? 2 9x. ठीक है, 9x चाहिए होगा, तो 9 के लिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9x, यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9x. ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 एंड 17x आ जाएगा. तो 17 के लिए आपको क्या चाहिए होगा? 9 10 11. ठीक है, आपके पास ये एग्जैक्ट एक्यूरेट डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आपके पास 0 ही आएगा. तो मतलब कि हमारे पास ये 3 एक ऐसा नंबर है जो कि मैं ऐड कर दूंगी दूसरे नंबर के अंदर, तो मेरे पास डिवाइड हो जाएगा वो इस पॉलीनोमियल, मतलब इस पे वो एग्जैक्ट डिवाइड होगा. हमने ऐड किसके अंदर करना है? आपने इस टर्म के अंदर ऐड नहीं करना है. ठीक है, आपने इसके अंदर ऐड करना है 3. 6 प्लस 3 अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. और फिर जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास देख लें यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, और ये एक्यूरेट कैंसिल होकर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा. ठीक है, बात समझ आ गई आपको क्या करना है? ये वाला जो पॉलीनोमियल है इसके अंदर जब मैं 3 ऐड करूँगी तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 9 होगा. ये देखिए, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा. और जब मेरे पास ये लास्ट आंसर आया तो जब मैं इनको करूँगी तो ये कैंसिल होके 0 रिमाइंडर देगा ना. ठीक है, इसका मतलब कि आपके पास आंसर क्या बन रहा है? 3. 3 ऐड करेंगे इसके अंदर तो ही ये डिवाइड करेगा, एग्जैक्ट 0 रिमाइंडर देगा आपके पास. इस तरह आपके पास आज 5.2 का हमने जो कंप्लीट किया है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 9. आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी. और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको मेरा मैथ्स करवाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और रिस्पॉन्स कर दिया करें, मतलब कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे आपके रिस्पॉन्स का पता चलता रहे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है या मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ.